दीदी आपका कोरोना का कविता बहुत अच्छी लगी दीदी। दीदी अभी कोरोना चारों तरफ जो फैला हुआ है सब लोग बहुत डरे हुए हैं कि हमको क्या करना चाहिए, अब क्या होगा आगे जाके, तो सब लोग बहुत डर रहे हैं। तो इस दिशा में आपका क्या राय होगा दीदी, आपका क्या विचार है? होगा। और जो प्राकृतिक है ये कभी कभी ये भी होता है। वैसे तो ये जो प्राकृतिक होता है तो सबके किसी के ऊपर भी वो सभी के लिए होता है, पूरे कभी कभी पूरे देश में होता है, कभी कभी पूरे विश्व में हो जाता है। ऐसे आजकल कोरोना फैला हुआ है, ये पूरा विश्व उसकी चपेट में है, लेकिन फिर भी एक ही हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर के इलाज के अंदर दो व्यक्ति हैं, दोनों को कोरोना हो गया है, एक ठीक होके चला जाता है हंसता हुआ, दूसरा मर जाता है। ऐसा क्यों होता है ये विचार नहीं है। तो फिर यहाँ प्रारब्ध आके टकराया ना कि मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसको कोई टाल नहीं सकता। जो मृत्यु का समय है उस समय मृत्यु होगी ही, हर हालत में होगी। उसे कोई डॉक्टर, कोई मेडिसिन, कोई तरकीब, कोई कुछ भी खत्म नहीं कर सकता। मृत्यु तो इसको भगवान ने ऐसा बनाया है, इतना ये निश्चित है कि स्वयं भी भगवान जब अवतार लेकर आते हैं तो अपना समय निश्चित करके आते हैं। वो बात अलग है कि हम कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, तो हमें तो जब जाना है जाना है, और जिस तरह जाना है जाना है। लेकिन ये महापुरुष या भगवान ये तो अपना निश्चित करके आते हैं, क्या क्या करना है, कितने टाइम रहना है, कब जाना है, कैसे जाना है, ये तो सब अपना उनका निश्चित रहता है। तो जब मृत्यु इतनी निश्चित है तो फिर कोरोना का भय मन में होना ये अज्ञानता का सूचक है। कुछ भी हो, कोरोना हो, कुछ भी हो, भय क्यों? अरे भूकंप आ जाता है, पूरी पूरी बिल्डिंग गिर जाती है, उसमें भी छोटे बच्चे तक बच जाते हैं और सब मर जाते हैं। बच्चे बच जाते हैं, स्त्रियां बच जाती हैं, पुरुष बच जाते हैं, बहुत से लोग बच बच गए। अभी जो 9/11 का हुआ, इतनी भारी बिल्डिंग 109 10 कितने उसके अंदर फ्लोर थे, वो सारा गिर पड़ा, उसमें एक नवजात शिशु बच गया, कई स्त्रियां बच गई उसके अंदर दबे हुए, इतना भारी बिल्डिंग के गिरने पर भी मेरे को नहीं मरना था। तो जब नहीं मरना है तो नहीं मरना है, मरना है तो मरना है। लेकिन हाँ, अगर हम लापरवाही करेंगे और हमें थोड़ा भी उसका असर हो गया तो कष्ट भी तो हम ही को सहना पड़ेगा ना, और फिर हमें पता भी नहीं कि हमारे प्रारब्ध में इसका कष्ट है कि नहीं है, तो जबरदस्ती उस कष्ट को लेना अपने ऊपर ही तो मूर्खता है। अब जैसे बताया जा रहा है, बार बार सभी कह रहे हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग ये इलाज है, दूर रहने का इलाज है। थोड़ा दूर रहो, आप पास नहीं बैठो, सफाई रखो, बार बार हाथ को धो, इत्यादि जो बातें बताई, तो करो, क्या फर्क पड़ता है इसमें। और नहीं करोगे तो हो सकता है कि चाहे कुछ दिन का कष्ट हो जाएगा। अपने आप अपने ऊपर क्यों मुसीबत मोल लेनी है, इसलिए हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए। बाकी डर की तो कोई बात ही नहीं, मृत्यु तो श्योर है, सबकी होनी है, और तभी होनी है जब समय आएगा, कि आगे पीछे नहीं आएगा। बेस्ट देखो, मैं तो इसको भगवत कृपा समझती हूँ। जो कोरोना फैला और उसकी वजह से जो लॉकडाउन हो गया, मैं तो इसको विशेष भगवत कृपा समझती हूँ, विशेषकर उन लोगों के लिए जो भगवान के भक्त हैं, जो किसी गुरु के शरण में है, क्योंकि उनको भगवान भरपूर मौका दे रहा है कि करो जितनी साधना कर सकते हो। बहुत पहले तो हमेशा ये बहाना करते थे, समय नहीं, बड़े बिजी हैं, अब तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं बिजी रहने के लिए। आराम से घर में रहो, कोई कष्ट नहीं है तुम्हें, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, घर में रहो, जितनी चाहो साधना करो, इससे अच्छा स्वर्णिम अवसर कब मिलेगा। जब ये खत्म हो जाएगा कोरोना, काम पे जाओगे सब कोई, तो कहाँ मौका मिले, फिर वही तुम्हारी प्रॉब्लम हो जाएगी। वेरी बिजी, पूरे टाइम एक ही मंत्र है कि हम बहुत बिजी हैं, नहीं आ सकते हम,
साधना इतनी इतनी हो गई, इतने इतने महाजी ने प्रोग्राम किए, बहुत से लोग बड़े बिजी हैं नहीं आ सकते, अब कोई बहाना नहीं है, कोई बहाना नहीं, आराम से घर में बैठो साधना करो, एकांत साधना करो, परिवार वालों के साथ साधना करो, महाराज जी के लेक्चर सुनो, तमाम धार्मिक एक से एक बढ़िया पुस्तकें श्री महाराज जी की ही, जिसमें पूरी महाराज जी की फिलॉसफी है, बार बार पढ़ो, बार 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 एक बात का चिंतन करने से उसका असर तो पड़ेगा माइंड पे, मन की शुद्धि तो होगी, जितनी हम मन शुद्धि कर सकते हैं कर लें इस टाइम, इसके बाद फिर ये मौका नहीं मिलेगा। तो हम तो इसे जो ये टाइम हम लोग को मिल रहा है लॉकडाउन का, कोरोना की वजह से मिल रहा है, तो हमारे लोगों पर तो भगवत कृपा ही है, उसको जो अभिशाप समझे समझे, मैं तो इसे बहुत बहुत कृपा समझती हूँ, और सारे सत्संगियों के लिए, उन समस्त भक्तों के लिए, साधकों के लिए जो भगवान के भक्त हैं, इससे अच्छा कहाँ मौका मिलेगा। देखो इतने हम लोग के सौभाग्य है कि हम भारत में बैठे हैं, तो ऐसे टाइम पर ये रामायण महाभारत इस तरह के धार्मिक सीरियल आ रहे हैं, तो बच्चे भी देख रहे हैं, उनके भी कुछ संस्कार बन रहे हैं, तो हमें भी अपना इसका मौके का लाभ उठाना चाहिए कोरोना के लिए, कोई इतने घबराने वाली बात नहीं।